हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों स्पाइडरमैन 3 देख सकते हैं डॉल्फिन एमुलेटर में कितना लैग कर रहा है, कितने FPS कम आ रहे, कितना स्लो मोशन में गेम चल रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे हमारा गेम स्मूथली वर्क करेगा, 13 FPS तक हमें यहाँ पे स्पीड मिलेगा। यदि आपका स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर है, 865 है और 16 FPS आपके डिवाइस के लिए सपोर्ट करता है तो 16 FPS आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं करता सपोर्ट उनके डिवाइस में 13 FPS आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करते हुए गेम सेटिंग में जाना है। जर्नल में आपको सीपीओ कोर JIT ARM64 कंपाइलर ही रखना है। दो ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। ड्यूअल कोर पे आपको क्लिक करना है। ओवरराइड इम्युलेटिव सीपीयू क्लॉक स्पीड पे क्लिक करना है। इम्युलेटिव सीपीयू क्लॉक स्पीड आपको 35% रखना है। ठीक है, स्पीड लिमिट 100%। स्नैक ऑन स्किप आइडल पे आपको क्लिक करना है। JIT फॉलो ब्रांचेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑडियो स्ट्रेचिंग पे क्लिक करना है, जिससे ऑडियो आपको अच्छे देखने के लिए मिलेगी। बाद में ग्राफिक्स सेटिंग में वीडियो बैकएंड आपको ओपन जीएल रखना है, वल्कन नहीं रखिए। किसी किसी गेम के लिए वल्कन सपोर्टेबल होता है लेकिन इसके लिए ओपन जीएल ही सही रहेगा। शो FPS इस पे आपको क्लिक करना है। शेडर कंप्लीशन मोड आपको सिंक्रोनस रखना है, असिंक्रोनस मत रखिए, सिंक्रोनस ही रखिए। किसी किसी गेम के लिए असिंक्रोनस सपोर्टेबल रहता है। बाद में आपको एस्पेक्ट रेशियो स्ट्रेंथ विंडो रखना है, कुछ आपको नहीं करना बाकी इसमें। ठीक है, बाद में एनहांसमेंट में इंटरनल रिजोल्यूशन आपके डिवाइस के हिसाब से फुल स्कैन एंटी अलियासिंग ऑफ रखना है। एंटीस्ट्रोफिक फिल्टरिंग आपको ऑफ रखना है। पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट को आपको ऑफ करना है और यहाँ पे स्केल्ड EFB कॉपी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओनली 420 bit पे क्लिक करना है और एडेप्टोरी मिप मैप डिटेक्शन वाइड स्क्रीन हैक पे इन दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाद में आपको हैक में जाना है। ठीक है, हैक में जाने के बाद स्किप EFB एक्सेस फॉर CPU, स्टोर EFB कॉपी स्ट्रक्चर टू ओनली, डिफर EFB कॉपीज टू RAM पे क्लिक करना है और बाद में फास्ट डेप्थ कैलकुलेशन पे क्लिक करना है और इस पे आपको क्लिक करना है। बाद में आपको सेटिंग सेव करनी है। सेव करने के बाद गेम को आप लोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्विक लोड भी आप कर सकते हैं। लोड करने के बाद आपका गेम स्मूथली वर्क करेगा। देख सकते हैं हमें यहाँ पे 13-12 का FPS मिल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैंने पहली बार लोड किया है तो ये थोड़ा FPS कम दिखा रहा है, लेकिन आपका डिवाइस अच्छा है तो गेम स्मूथली वर्क करेगा। जहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है वहाँ पे FPS थोड़े ड्रॉप होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ी तोड़फोड़ कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, तो इसलिए थोड़े FPS कम आ रहे हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद आपका गेम स्मूथली वर्क करेगा। फिर भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लो एंड डिवाइस यूजर के लिए PPSSPP का स्पाइडरमैन 3 है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, हाउ टू सॉल्व स्पाइडरमैन 3 लैक PPSSPP एमुलेटर, वो आप देख सकते हैं। लो एंड डिवाइसेस है और हाई एंड डिवाइस में ये गेम वर्क करेगा। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।